अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह से अभी जो मौजूद हैं हम मस्जिदुल हरम शरीफ में, और ये देख सकते हैं सामने मस्जिदुल हरम शरीफ का नज़ारा लाइव। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में आज ही लोग आए हैं, और अभी जो है ना ये मौसम माशाल्लाह बारिश का हो रहा है, तो चेक कर सकते हैं थोड़ा देखाएँ। और इंशाल्लाह काफ़ी कमेंट हमारे वीडियो में आ रहे थे, तो हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद जो है ना वो ये है कि चांद ईद का नज़र आया कि नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंशाल्लाह 29 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी जो है ना कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि अभी मौसम यहाँ का ठीक नहीं है। तो इंशाल्लाह जैसी भी कोई जानकारी कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। यहाँ सऊदी अरब में अभी चांद नज़र नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है और कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह से, और जैसे भी होगा कोई नई अपडेट जिस तरह से भी आएगी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको हम बताने वाले ये हैं कि ये जो सामने अब्दुल्ला हरम आपको नज़र आ रहा है, और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा ये नया हरम बन रहा है। और दूसरी चीज़ ये कब्रिस्तान थोड़ा दिखाएं ज़रा, ये वो कब्रिस्तान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ पर जिंदा बच्चियों को दफना दिया जाता था। तो आप देख सकते हैं ये आप कुछ किस्मत लोग हैं जो आप लाइव ये नज़ारा देख रहे हैं। अभी तक ये इतने दिनों तक कब्रिस्तान यहाँ पर कोई जगह कोई भी चीज़ होटल्स वगैरह कुछ नहीं बने, यहाँ तक कि यहाँ आसपास में जितने भी हैं सारे होटल्स वगैरह बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हैं इधर सामने होटल हैं और ये सामने होटल्स वगैरह बने हैं। और दूसरी चीज़ एक ये होटल है, यहाँ पर काफ़ी मशहूर होटल है, और इसमें जो है ना एक बड़ा मुसल्ला है जो कहे जाते हैं वर्ल्ड में रिकॉर्ड है कि दुनिया में सबसे ऊँचा जो नमाज मस्जिद की जगह है वो सबसे ऊंची इसी होटल्स में है कहलाई जाती है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। लोगों सभी लोग जो है ना वीडियो पूरा देखें और स्किप ना करें बिल्कुल भी। आज इंशाल्लाह आपको हरम शरीफ जो है ना पूरी ही पूरी एक जानकारी अच्छे से देने वाले हैं। तो माशाल्लाह से वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा जूम करके दिखाएँ ये हरम शरीफ का नज़ारा। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपको हमारे आईडी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नई वीडियो पाने के लिए। हर एक अपडेट हरम शरीफ की इंशाल्लाह हम आपको देते रहेंगे।